ओएल एक्सप्रेस स्पाइस और ओएल एक्सप्रेस स्कैम बहुत ज्यादा सुने होंगे, लेकिन आप लोगों को एक डायरेक्ट पार्टी से अगर फोन खरीदना तो वही एक जगह होती है जहां पर मिल पाता है। तो यहां पे आज भाई सारे के सारे 2022 के अंदर जो जो आपको स्टेप्स लेने हैं वो बताने जा रहा हूं कि कैसे आप लोग भाई स्कैम से बच सकते हो, और कैसे अगर आपको कोई आईफोन लेना है, कोई एंड्रॉइड का फोन लेना है, कोई टैबलेट लेना है, कोई लैपटॉप लेना है, कोई फ्रिज लेना है, कोई टीवी लेना है, कोई कुछ भी लेना है, बहुत तेज बोल दिया, किस तरीके से ओएल एक्स से बहुत इजीली खरीद सकते हो, और बेसिकली आपको थोड़ा बहुत टिप्स बताऊंगा और क्या चीजें ध्यान में रखनी है, ठीक है? क्योंकि मेरे साथ पिछले साल अगर आपको याद होगा एक स्कैम हुआ था। स्कैम देखो भाई किसी भी तरीके का हो सकता है, कोई आपसे महिला मित्र बन के बात कर सकता है या फिर कोई आपसे गुंडा बन के बात कर सकता है, लेकिन स्कैम हो सकता है। जाहिर सी बात है आपको भाई OLX पे आना पड़ेगा, OLX पे कोई फोन लेने के लिए। तो आपको OLX पे जैसे ही आओगे, नॉर्मली आप अपना कोई भी फोन वोड सर्च करोगे जो भी आपको चाहिए। लेट्स से मैंने भाई परफेक्ट एग्जांपल के लिए आईफोन ले लो, क्योंकि आईफोन के साथ मैंने बहुत स्कैम होते हुए देखे हैं। एंड्रॉइड के बारे में बताऊंगा इस वीडियो के अंदर जल्दी से। तो आईफोन के ऊपर सबसे पहले अगर आप लोग कोई भी ऐसी एड्स देखते हो, देखो मैंने यहाँ पे कुछ 4-5 एड्स दिख रही हैं, तो यहाँ पे ना देखो सबसे पहले जो चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है वो है एड किस तरीके से लाइक पूरी लगाई गई है, फोटोज किस तरीके से हैं। अब जैसे देख लो ये एक एड है जो कि पीतमपुरा दिल्ली के अंदर जगह है, वहां पे दिल्ली हुई है। तो यहाँ पे देखो इस बंदे का नाम ये है एंड ये सब, इसने देखो फोन के बारे में पूरा एक अच्छे से डाल रखा है कि भाई इस फोन में क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या बैटरी हेल्थ है, मतलब पहले से इसने डाल रखा है, ठीक है। फोन की 4-5 फोटोज भी डाल रखी है जो कि डिसेंट है एंड हम लोगों को फोन एक तरीके से लुक दिख रहा है, बट स्टिल जो 2 लास्ट की फोटोज हैं वो थोड़ी सी अजीब सी हैं, बट ठीक है। मैं इस वाले बंदे को बोल सकता हूँ कि थोड़ा सा जेन्युइन हो सकता है, बट हमारे को बात करके पता चलता है वो तो ओवरऑल कि भाई बंदा किस तरीके से बात कर रहा है, वे ऑफ टॉकिंग। अगर आप लोगों को चेक करना है तो भाई पिछली वाली वीडियो चेक करना, मेरी नोट 20 अल्ट्रा स्कैम वाली जिसमें मेरे साथ खुद हुआ था, तो चेक करना, उसमें ज्यादा समझ आएगा आपको कि मतलब ये लोग किस तरीके से बात करते हैं। तो ये लोग आपको फंसाते नहीं, आप खुद ही जाते हो। OLX वाले में ये हो रहा था। पहली चीज आप लोगों को देखनी है कि फोन कब का है और फोन की मार्केट वैल्यू क्या चल रही है। अब जैसे मान लो कोई भी अगर आप लोग XYZ फोन ले लो, लेट्स से हम 9R ले लेते हैं, तो OnePlus 9R की वैल्यू इस टाइम पर चल रही है अराउंड 30 से लेकर 32, और वहीं पर अगर आपको कोई ऐड दिखती है OnePlus 9R की जो कि मिल रही है आपको 18-20 हज़ार रुपए के अंदर, तो वो भाई डायरेक्टली स्कैम है। या तो फोन की डिस्प्ले टूटी हुई है या तो कुछ और, या फिर फोन अगर परफेक्टली फाइन है तो भाई ये पूरा स्कैम है। एंड स्कैम देखो बहुत अलग तरीके के होते हैं, इसके अंदर आप लोगों से ये पैसा हड़पने की कोशिश करते हैं, तो दूर ही रहो इनसे, पहले ही बोल दो भैया ओके बाय बाय टाटा गुड बाय, ठीक है। ये तो जैसे नॉर्मल चीजें हो गई। अब जैसे आईफोन की जैसे वैल्यू आप लोग पता कर लो कि भाई इस आईफोन की वैल्यू अभी क्या चल रही है। अब लेट्स से जैसे यहाँ पे आईफोन ये 6S है, तो 6S की वैल्यू वेरी करती है। अब जो डायरेक्ट पार्टी जब फोन बेचती है ना, वो तो ऑब्वियसली थोड़ा पैसा ज्यादा करके बेचती है। मैं भी अगर कोई लेट्स से रिमोट बेच रहा हूँ, ठीक है, और रिमोट भाई ये पॉपुलर है काफी, और वैल्यू इसकी लग रही 10,000, तो मैं अराउंड 12,000 रुपए की वैल्यू कोट करूंगा, बिकॉज मुझे पता है सब लोग नेगोशिएट करते हैं, सब लोगों को बिक्री लाइक क्या कहते हैं, हमारी मम्मियां करती है ना दुकानदारों के साथ जाके क्या कहते हैं, बार्गेनिंग, यस करेक्ट वर्ड। तो बार्गेनिंग सबको करना पसंद है, लड़कों को कम होती है, बट करना हमें भी होता है कि भाई 10 का फोन डाला तो हमें 8 देने, 8 का डाला तो 5 देने, तो इसलिए हमेशा 2-3 हज़ार बढ़ा के डालो। ऑब्वियसली सेलर थ्योरी वाला हिसाब है। जैसे ये है, इस बंदे ने भी थोड़ा बहुत डाल रखा है एंड ये बंदा भी मुझको जेन्युइन लग रहा है क्योंकि इसकी आईडी ठीक ठाक, एंड इस बंदे ने 2 फोटो डाली है। फोटो के बारे में तो अब क्या ही बोलूं, लेकिन एटलीस्ट इस बंदे कुछ लिखा है फोन के बारे में। मेरे को यहाँ पे एक आपको जल्दी से ऐड दिखाता हूं कोई मेरे को जो मिले, जैसे देख सकते हो ये 20,000 रुपए में आईफोन। देखो भाई ये चीजें टोटल स्कैम होती है, यहाँ पे देख सकते हो, ये देख रहे हो आईफोन एप्पल मॉडल बेस्ट प्राइस कॉल मी, देख लो ये इससे पता चल गया कि भाई स्कैम है। अगर मैं इसको हाई लिख के भेजूंगा ना भाई अपना नंबर भेज देगा, बोलेगा कॉल करो मुझे, ये ऐसी एड से बिल्कुल बचना है। दिखने में लगे ओहो मेरे पास लिटरली भी इंस्टाग्राम पे 1,000 लोग मैसेज करते हैं कि भाई ये एड देखो, ये वेबसाइट देखो, ये देखो, वो देखो, नहीं बचना है भाई। बट बेसिकली भी OLX की बात होती है, OLX का ही बताता हूं। तो फटाफट से भाई नेक्स्ट चीज सर्च करते हैं, कोई एंड्रॉइड फोन लेते हैं, नोट 20 अल्ट्रा कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा अच्छा लगता है फोन। नोट 20 अल्ट्रा यहाँ पे सर्च कर लिया एंड ओके, सो अलग अलग देखो यहाँ पे रेट आ रहे हैं फोनों के, ठीक है, 65,000, 53,990। तो ये वाला फोन अगर आप लोग खोल के देखोगे तो नहीं भाई ये तो सही है, मतलब कोई अच्छा, इसमें 2 बंदे होते हैं आजकल OLX पे आपको लाइक डायरेक्ट पार्टी तो मिलती है, लेकिन भाई दुकानदार भी डाल देता हूं, वो भी ध्यान रखना आपको कि दुकानदार है कि क्या है। नोट 20 अल्ट्रा कुछ मुझे मिला नहीं, ये जितने भी ये सारे दुकानदार हैं जो कि फोन बेच रहे हैं इनके बारे में मैं क्या ही बोलूं। एक मेरे को शायद मिला है, हाँ, तो भाई ये देखो मिल गया, मैं नोट 4 ऐड डाली हुई 4 में से एक स्कैम मिल गया। ये देखो बंदे ने 5 दिन पहले मेंबर बना है, पहली बार मेंबर आईडी चेक कर ली हमने, भाई डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखा ही नहीं है, वसंत विहार लिख दिया, यहां पे कुछ है ही नहीं। देखो अब 55,000 लाभ को लेगा फोन, वैसे ज्यादा रेट डाल रखा है इस बंदे ने, गलत ये, अगर ये डालता ना 30,000 तो इसको 10,000 मैसेज आ चुके होते अब तक। लोगों को भाई होता है टेम्पटेशन होती है, जिसको फोन भाई 30,000 रुपए के अंदर एक फ्लैगशिप मिल रहा है नोट 20 अल्ट्रा जैसा, तो भाई एक बार को चेक कर ही लेगा, भाई एक बार देख लेता हूं जिसको नहीं पता। तो मतलब ये तो चीज हो ही गई है ना, अब आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि देखो यार OLX पे आपको कभी बार अच्छी चीजें मिल जाती है, कभी बार नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छी चीजें मिल जाती है। कहते हैं ना कि अच्छी चीजों के साथ बुरी चीजें भी आती हैं, तो ये OLX का वही वाला हिसाब किताब है, अच्छी चीजें भी होती हैं तो बुरी चीजें मिलती हैं। यहां पे मैंने अभी थोड़े टाइम पहले iQOO 7 लेजेंड लिया था एंड वो मैंने
मैंने OLX से ही परचेज करा था, आपने उसकी वीडियो देखी होगी शायद, डायरेक्ट पार्टी थी वो एंड मैंने उनको देखा, उनके एड सही लगी, मैंने उनको मैसेज करा, फोन मिला, हम लोग मिले, मैंने फोन ले लिया। तो मतलब ये चीज होती है, जो मेजर इन्फॉर्मेशन होती है उस पर तो ध्यान जाते ही जाता है, उसके बाद अगर आपको नहीं, उस पर भी थोड़ा बंदे ने लाइक आलस मार गया, उसको लगा लिख देता हूँ छोड़ो, उसने लिख दिया, फिर भी आपको फोन लग रहा है कि भाई जेन्युइन है, बंदा जेन्युइन है, आप उससे बात कर रहे हो, बात करने के बाद भी पता चल जाता है हमारे को वो ऐसे कि आपको बोलते हैं कि हाँ भाई चलो मिलते हैं, आप मिलके एक बार फोन देख लो एंड वो सब, तो कहीं ना कहीं आपको हो जाएगा कि हाँ भाई सच बोल रहा है बंदा, और मिलके हम लोग एक बार फोन चेक कर सकते हैं, देख लो। तो मतलब इसमें थोड़ी सी गारंटी होती है, लेकिन हमेशा ध्यान रखना, OLX बोलता है कि हमेशा पब्लिक प्लेस में मिलो, भाई मैं तो हमेशा मेट्रो स्टेशन में जा जाके मिला हूँ, क्योंकि वहाँ पे भाई भीड़ भर के पब्लिक होती है और कोई दिक्कत नहीं होती। ऑब्वियसली अगर आप लोग कुछ भी ऐसा महंगा फोन लेने जा रहे हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा अपने साथ दो चार बंदे लेकर जाओ, या एक दो तो लेके जाओ, मतलब अकेले में जाओ, एटलीस्ट दो या एक साथ तो लेके जाओ जाओ, ठीक है, ताकि भाई 30-40 हजार कुछ भी चीज लेने जा रहे हो, एटलीस्ट आपके साथ भाई फ्रॉड ना हो, मतलब आपसे कोई पैसे छीन के ना भाग जाए, तो वो सब चीजें ध्यान रखना। बाकी यहाँ पे बहुत से लाइक आईफोन के ऊपर बहुत ज्यादा मैंने स्कैम्स के ऊपर वीडियो बनाई है, काफी ज्यादा हो रहे हैं, तो उन चीजों के ऊपर ध्यान रखो एंड उनसे बचो जितना हो सके। सीरियसली बता रहा हूँ, स्कैम्स यार किसी को नहीं पसंद, तो आप लोग प्लीज जितना हो सके बचो और अपना पैसा बचाओ। 2022 आ गया है, बहुत सब लोग भाई मेहनत पैसा कमाते हैं, तो मैं आशा करूंगा आप लोग सब पैसा बचाओगे अपना और अच्छे से इन्वेस्ट करोगे। और अगर ये वाली वीडियो पसंद आएगी डेफिनेटली लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके गाइस, बाय बाय।